हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स का डिस्कस किया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, कि जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, क्या कारण होता है। तो जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, या फिर अपन इसी को बोलते हैं क्रॉस फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे वर्क करती है। ओके, तो हम देखते हैं कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है हमारी, कि जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड होता है। जो हमारा टोटल मैक्सिमम फ्लक्स होता है या MMF बोलते हैं, वो हमारा इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो पार्ट होता है वो फॉरवर्ड होता है और एक, दोनों पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के। एक फॉरवर्ड होता है तो एक क्या होता है हमारा, बैकवर्ड होता है। ओके, तो जैसे हमने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जब हम थ्री फेस में से कोई भी एक फेस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा सिंगल फेस बन जाता है। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि कैसे हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग या डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, कैसे थ्री फेस वाइंडिंग को सिंगल फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक फेस डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, हमारा सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमारा MMF की अगर हम बात करें, मैक्सिमम MMF जो होता है हमारा F, वो क्या होता है हमारा FM cos theta into cos of omega t। जो हमारी MMF की इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है। ओके, ये कहां से, ये हमारी जो अपन ने थ्री फेस इंडक्शन मोटर पढ़ा था वहां पर भी अपन ने पढ़ा था F=FM cos omega t into cos theta cos omega t, थ्री टाइम्स होगा वो, क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे जो F क्या है, यहाँ पे MMF है। ओके, तो जो टोटल MMF है वो हमारा ये होता है हमारा। तो डबल फील रिवॉल्विंग थ्योरी जो बोलती है हमारी, वो क्या बोलती है कि ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सपोज अपन ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, cos A plus cos B, cos A plus cos B इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 cos A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2। ओके, cos A plus cos B equal to क्या होता है, 2 cos A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2। सपोज अपन यहाँ पे A मान लेते हैं theta plus omega t और B मान लेते हैं theta minus omega t। ओके, अगर हम यहाँ पे cos A plus cos B ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 2 cos A into cos, ये A plus B by 2, सपोज यहाँ पे A plus B करिए आप, डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 थीटा डिवाइड बाय 2 मतलब थीटा, यहाँ का एक थीटा है। अगर आप ए माइनस बी करते हैं तो क्या आएगा, थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस ओमेगा टी, सॉरी ये a है थीटा प्लस ओमेगा टी और थीटा माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। इसको खोलिए, थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ये क्या बचा, 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 मतलब ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे 2 आया, मतलब डिवाइड में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 और करना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो दो पार्ट हमारे क्या होंगे, FM by 2 into cos theta minus omega t plus cos theta plus omega t। ओके, तो ये जो हमारा मेन फ्लक्स है MMF है, वो हमारा क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो होता है वो होता है हमारा क्या, फॉरवर्ड रोटेटिंग, और एक क्या होता है हमारा, बैकवर्ड रोटेटिंग। ओके, एक फ्लक्स जो, एक MMF जो होता है वो होता है हमारा क्या, फॉरवर्ड रोटेटिंग, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, एक होता है बैकवर्ड रोटेटिंग। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम है, FM by 2, एंगल बस हमारा क्या है, एक प्लस माइनस है, तो एक क्या है प्लस वाला, एक आगे जाएगा तो एक क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यही कहती है कि जो हमारा मेन MMF है FM,
एम या फिर अपन फ्लक्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं फाइव एम, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक फाइव एम बाय टू और एक हमारा फाइव एम बाय टू। एक हमारा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा हमारा क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, जो हमारा फ्लक्स होगा वही कट करेगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी से टॉर्क जनरेट होगा। तो दोनों फ्लक्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक फॉरवर्ड घुमाने की कोशिश करेगा, एक बैकवर्ड, तो ये क्या होगी, ऐसे 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 घूमती रहेगी, ना कि टोटल रोटेट कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, जनरेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम क्योंकि ये सिंगल फेज है इसके कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ ड्यू टू सिंगल फेज कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। ओके, क्या लिख सकते हैं हम, द एमएमएफ ड्यू टू सिंगल फेज कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। The MMF due to single phase can be resolved into two components, each having half of amplitude but rotate in अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो एक जो होती है वो हमारी क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर एक क्या है, सपोज हमने बोला कि रोटर रोटेट करता है हमारा, हमने जैसे इंडक्शन मोटर में पढ़ा था कि इंडक्शन मोटर में हमारी स्लिप क्या होती है, S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। यही पढ़ा ना हमने कि स्लिप क्या होता है, स्लिप एक्चुअली में क्या है, स्लिप मतलब फिसलना। तो मोटर हमारी कितनी फिसली है, मतलब मोटर भी रोटर जो है वो क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है, बस उसको पकड़ नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, कुछ बैक रह जाता है। तो जितना वो पीछे रह जाता है हमारा, वो क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। तो स्लिप क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे फॉरवर्ड स्लिप और हम देखते हैं कि हमारी बैकवर्ड स्लिप क्या होगी। ठीक है, क्योंकि दो हमारे क्या हो गए हैं, एमएमएफ बने हैं, तो दो हमारी क्या होंगी, स्लिप बनेगी। एक हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो सपोज हम देखते हैं कि हमारी फॉरवर्ड स्लिप क्या होगी। फॉरवर्ड स्लिप की अगर हम बात करें, एस एस से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या, एन एस माइनस एन डिवाइड बाय एन एस। ठीक है, ये एन आर ही लिख देते हैं। और अगर हम बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो हमारी फॉरवर्ड स्लिप तो एस ही होगी। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिप किसके बराबर होगी, एस। और अगर बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो बैकवर्ड मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो माइनस एन आर डिवाइड बाय माइनस एन एस। ये होगा कि नहीं, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन एस प्लस एन आर डिवाइड बाय एन एस। ओके, अगर हम यहाँ से एन आर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय एन एस इक्वल टू क्या है, एस। इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एन एस माइनस एन आर इक्वल टू एस एन एस। इसको इस साइड ले आए तो एन एस प्लस एस एन एस इक्वल टू एन आर। तो क्या लिख सकते हैं, एन एस वन प्लस एस इक्वल टू एन आर। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या होगा, एन एस प्लस एन एस वन प्लस एस डिवाइड बाय एन एस। एन एस कॉमन ले लीजिए आप तो क्या बचेगा, वन प्लस एस डिवाइड बाय एन एस, तो ये क्या बचेगा, टू प्लस एस। तो जो हमारी बैकवर्ड स्लिप होती है एस बी, वो किसके बराबर होती है, टू प्लस एस। ओके, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये प्लस एस एन एस है तो इस साइड आएगा तो माइनस का होगा। ओके, तो ये क्या है, वन माइनस एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। सॉरी, इसको प्लीज आप लोग सही कर लीजिए। तो जो हमारी बैकवर्ड स्लिप होती है वो क्या होती है, टू माइनस एस। ओके, तो हमने देखा कि हमारी फॉरवर्ड स्लिप क्या होती है, एस, और जो बैकवर्ड स्लिप होती है वो क्या होती है हमारी, मतलब जो फॉरवर्ड वाला हमारा
तो और क्या, वो किस तरह उससे रोटेट करेगा, और जो हमारी बैकवर्ड स्लिप होती है वो क्या होती है हमारी 2-S। ठीक है, अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट जब पढ़ेंगे इसका तो वहां पे ये क्या होगा हमारा यूज होगा हमारा। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी डबल सी रिवॉल्विंग थ्योरी जो हमने आपको बोला था कि कैसे हमारा फ्लक्स जो है वो हमारा क्या कर रहा है, रोटेट करता है। ओके, अगर हम डबल सी रिवॉल्विंग थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा दो फ्लक्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा सपोज ये हमारा रोटेटिंग मोटर है, ये हमारा मेन फ्लक्स है फाई एम। ठीक है, ये जो हमारा मेन फ्लक्स फाई एम है ये क्या होगा हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा क्या फाई एम बाई टू और एक होगा हमारा क्या फाई एम बाई टू। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट केस में देखें तो यही क्या होगा हमारा रोटेट करेगा। अगर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट केस में देखते हैं, अभी हमारा रोटेट कर रहा है, ये हमारा मेन फ्लक्स फाई एम, अगर ये कुछ एंगल से जाएगा तो यहाँ पे कुछ होगा सपोज फाई एम बाई टू और ये होगा हमारा क्या फाई एम बाई टू, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रहा है, ये वाला हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया हमारा क्या बैकवर्ड, इन दोनों का रिजल्ट है तो सेम होगा फाई एम ही। ठीक है, तो ये हमारा एक इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक तो रोटेट करेगा कुछ मतलब पल्सुएट करेगा, ये थोड़ा सा हमारा क्या करेगा रोटेट, आधा ही रोटेट कर पाता है क्योंकि आगे की बात आप देखेंगे कि दोनों बराबर और अपोजिट हो जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकवर्ड में अगर आपने देखा। नेक्स्ट इसके बाद केस क्या आएगा, ये और रोटेट करेगा तो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो सपोज हमने ये लिया। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया है यहाँ पे पहुंच गया, ये है फाइव एम बाई टू और ये है फाइव एम बाई टू। ठीक है, बट दोनों क्या है अपोजिट, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे टॉर्क हमारा डेवलप होने ही नहीं देगा, तो मशीन क्या करेगा टॉर्क जीरो टॉर्क डेवलप करेगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए आप बोलते हैं कि जब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है जो हमारा मेन फ्लक्स है वो क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, अगर इन दोनों का सपोज मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो ये दोनों कैंसिल होते क्या नहीं होते, कुछ ना कुछ टॉर्क डेवलप होता है, होता भले ही चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड, जिसका क्या होता है हमारा फ्लक्स ज्यादा होता उस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो जाता है, वहां मोटर रोटेट कर जाती है। बट डबल फील रिवॉल्विंग थ्योरी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो डबल फील रिवॉल्विंग थ्योरी ये बोलती है कि दोनों टॉर्क जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं, दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और मशीन को रोटेट नहीं होने देते। ठीक है, अगर हम सपोज इसके और आगे चले कि इसके और आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हो गया सपोज बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, ये यहाँ पहुंचा, इसके बाद ये टॉर्क सपोज यहाँ पे होगा फाइव एम बाय टू और यहाँ पे हो जाएगा फाइव एम बाय टू। ठीक है, मेन टॉर्क हमारा जो होगा वो ये होगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फाइव एम। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में यहाँ पे आ जाएगा फाइव एम बाय टू फाइव एम बाय टू, फिर ये आएगा फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ से फिर ये इतना ही बस रोटेट करेगा, मतलब या तो यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ पे टॉर्क डेवलप जीरो हो गया, या यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ पे टॉर्क डेवलप जीरो, मतलब मशीन टोटल रोटेट हमारी नहीं कर पाती है, बस ये वो क्या करेगी वहां पे पल्सुएटिंग फ्लक्स जनरेट होगा हमारा जो कि फ्लक्चुएटिंग होगा हमारा। ठीक है, ना कि हमारा रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो यही अंतर है कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है मतलब जो फील्ड बनती है वो कैसे बनती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात करना है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसके कारण जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है, बट यहाँ पे जो होता है वो क्या होती है जो हमारी फील्ड वो है पल्सुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, ना कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके कारण क्या होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होता है वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, अपने आप रोटेट हमारा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, तो यही कारण है कि जो हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो क्या करती है हमारी रोटेट नहीं कर पाती है। ओके,
तो हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि क्यों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल फेस सप्लाई देते हैं, ठीक है, स्टेटर में सिंगल फेस सप्लाई देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारा जनरेट होता है हमारा, ठीक है। वो जो फ्लक्स है वो हमारा रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है, बट हमारा रोटेटिंग फ्लक्स हमारा नहीं जनरेट हो पाता है हमारा, इसलिए जो हम बोलते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग हमारी नहीं होती है। यहाँ पे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यह कहती है कि जो हमारा मेन फ्लक्स है वो हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक यहाँ खींचता है, एक यहाँ खींचता है। सपोज आप ही खड़े हैं, दो लोग आपको खींच रहे हैं, एक इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, और बराबर इक्वल ताकत से खींच रहा है, मतलब इक्वल उनका क्या हो रहा है, जो इस साइड खींचा उसका, तो आप क्या रहोगे, बीच में ही स्थिर हो जाओगे हमारे, थोड़ा इस साइड झुक जाओगे, मान लो इस साइड ज्यादा अभी लगे या इस साइड है हमारा, बट दोनों अगर इक्वल है तो आप क्या होगा हमारा, स्थिर रहोगे, आप रोटेट नहीं कर पाओगे हमारा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के तरीके होते हैं कि हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को क्या करें, किसी एक डायरेक्शन में एक पुश दे दें। अगर हम सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पुश धक्का दे देते हैं तो वहां का टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है बैकवर्ड की डायरेक्शन से, तो वो क्या करता है उस डायरेक्शन में रोटेट करने, या अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पुश देते हैं तो वो क्या करता है उस डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा फैन होता है घरों में, कभी कभी वह चलता नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक डंडा उठा के उसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, फिर वो क्या करता है अपने आप रन करने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक डंडे से घुमाएंगे तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, पुश मिलता है, वहां का टॉर्क ज्यादा होता है, तो फिर वो उस डायरेक्शन में क्या करता है हमारा रोटेट करने लगता है। वैसे हम क्या करते हैं उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते ही हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, हर बार हम थोड़ी डंडे से घुमा रहे हैं, बट कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाता है, तो हम उसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के क्या होता है हमारा तरीका, कि जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसको हम क्या करें, टू फेस मोटर बना देते हैं, ठीक है। हमने आपको कंस्ट्रक्शन में लास्ट क्लास में बताया था कि दो बाइंडिंग हम यूज करते हैं, एक हो जाती है मेन बाइंडिंग और एक होती है हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो या तो हम उसको टू फेस मोटर बना दें, या हम दो बाइंडिंग यूज करें, एक मेन बाइंडिंग एक स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो हमारे क्या होते हैं, दो अलग अलग फ्लक्स जनरेट होंगे, उसके कारण एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है और उसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ये दोनों जो बाइंडिंग है इनको क्या होना है, 90 डिग्री डिस्प्लेस होना चाहिए, तो उसके कारण एक हमारा रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट हो जाता है और हमारी मशीन क्या करती है, रोटेट करने लगती है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थैंक यू।